हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है सेल्स, ईएमएफ एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल्स आपको पता ही होगा किसी भी सर्किट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स का। ठीक है, तो अब तक हमने रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, ये चीज़ें देखी थी, फिर उसका किरचॉफ लॉ भी देखा। तो सब चीज़ों का यूज होगा आज सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सेल का मतलब यही हुआ कि हमारे जो सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉम्पोनेंट्स के अंदर। ठीक है, हमारा अगर मान लो क्लोज सर्किट है कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर या क्या बोलता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ, फिर उसको मैं क्या करता हूँ, सेल से कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। सेल का सिंबल ये होता है जो आपको शोन है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कुछ इस तरह से। तो अब हमें पता है क्योंकि ये वायर है, तो वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है, वायर से कनेक्टेड है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मैंने करंट मैकेनिज्म वाले चैप्टर में अपन सेकेंड टॉपिक में हमने पढ़ा भी, शायद फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा भी है कि जो मैकेनिज्म है, जो करंट का फ्लो, चार्जेस का फ्लो, अगर वो मैकेनिज्म किससे होता है, जब हम उसके अलोंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल, आपको पता होगा मैंने कुछ इस तरह से बनाया था एक क्रॉस सेक्शन वायर का, उसमें क्या किया था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे सेल प्रोवाइड कर रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ई इंटू डी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो सेल के अलोंग है, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इस कंडक्टर के लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे, तो इस कंडक्टर में क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ड्रिफ्ट 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 आ जाएगा, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही हमारा क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उनकी ड्रिफ्ट होगी, तो इसका मतलब करंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारा करंट होगा, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। अब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ सेल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडर है, या फिर कह सकते हैं सेल मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विच फोर्सेज द चार्जेज और इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। ठीक है, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, सर्किट के अंदर मूव करवाता है। ठीक है, तो सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है। तो जैसे नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो क्या हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर, वो सारे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट है हमारा, जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा, तो इसी को बोलेंगे हम करंट फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट को ही बोलते हैं करंट फ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हुई सेल की बात। अब ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये बैटरी का सिंबल है। काफ़ी सारे सेल्स के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं बैटरी। अब कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स जब पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि बैटरी इफेक्टिव कब होगी, जब सारे के सारे हम अल्टरनेटली लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लगाओगे तो इफेक्टिव सेल बनेगा आपका। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव बीच में कर दिया तो सेल का ईएमएफ घट जाएगा। वो अब चीज़ें देखेंगे हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स के अंदर, तो इसी चीज़ को बोलेंगे हम बैटरी। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं केमिकल सेल्स से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्योंकि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं डीसी सर्किट्स के अंदर, ठीक है, वो एक्चुअली में हम जो सेल यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, या इस तरह की बैटरीज होती है काफ़ी अलग अलग टाइप की। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी केमिकल एनर्जी को किसमें करता है हमारा कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सेल्स को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल्स भी बोल देते हैं उनको। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल्स ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, ये दो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स में एक लिक्विड है जो आपको दिख रहा है, CuSO4, जिंक SO4। तो ये जो लिक्विड्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ही चार्ज को क्या करते हैं, क्योंकि इन्हीं यही क्या करते हैं, चार्ज प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ज प्रोवाइडर्स होंगे तो इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, और वहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार से अगर चार्जेस का फ्लो होगा तो वहाँ से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम यूज़ करेंगे किसी अपने एक्सटर्नल सर्किट्स के अंदर। ठीक है,
देखो यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगा अगर इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, कॉपर और जिंक आयंस का फ्लो होता है, ठीक अब देखो, है। यहाँ पे एनोड और कैथोड दिख रहा होगा, तो दो रोड्स हैं ये, ठीक है, जिनको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाते हैं ए, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दिखाते हैं डी, जैसा हम कैपेसिटर में दिखाते हैं, ठीक है। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और डी है, क्योंकि इन्हीं ए और डी के कारण काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। किस तरह से, अब देखो, जिस तरह से हमारा कोई भी कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है, उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी रेजिस्टेंस, है ना, कि उसके फ्लो को अपोज करना, करंट के फ्लो को अपोज करना। उसी तरह बैटरी के अंदर या सेल्स के अंदर भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो ये हम केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, या फिर जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आइडियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ केमिकल फ्लो का ही क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हम जो यूज़ कर रहे हैं वो प्योर, मतलब बिल्कुल 100% आइडियल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन 100% नहीं हो रहे, ठीक है, जो एनोड और कैथोड पे होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, जो कोई भी सेल्स हैं उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस आता है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है केमिकल सेल्स का, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके एरिया पे और उन के डिस्टेंस डी पे भी डिपेंड करता है। अब देखो, जैसे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आपका, अगर मान लो आप एरिया ऑफ प्लेट बढ़ा दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप एरिया ऑफ प्लेट बढ़ा दोगे तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस और अच्छे से होंगे, ठीक है, चार्जेस का फ्लो और अच्छे से होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा। अब डिस्टेंस को आप क्या कर दो, बढ़ा दो, तो रेजिस्टेंस आप जो आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब डी डिस्टेंस बढ़ा दोगे चार्जेस को मूव करने के लिए, चार्जेस को दूर मूव करना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ गई, तो इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस पाथ के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, अगर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को सी से डिनोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप बढ़ा दो, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फिल किया है, इनका इन कॉन्सेंट्रेशन इसकी बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दो तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसका टेम्परेचर को बढ़ाना, रेजिस्टेंस को घटाना, ये मेटल्स का जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है ना। ऐसा इसलिए होता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस और अच्छे से होंगे और अच्छे से हमारा जो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल्स के अंदर यही होगा, एरिया को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, कंसंट्रेशन और डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब क्या होगा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द पाथ ऑफ करंट, करंट बाय द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो करंट के पाथ का ऑब्स्ट्रक्शंस मटेरियल से, जो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करने के लिए मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, कि नॉर्मल अगर हमारी सेल होती है, मैं इसको इस तरह से शो करता हूँ, कौन सी भी सेल्स हो सकती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती है, कोई भी सेल्स होती है, तो हम उसको इस तरह से ही शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसी को मैंने इस तरह से शो किया, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब क्या है, ये आइडियल कंडीशन नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा ही, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल देते हैं कि इसका जो मान लो सेल का ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 वोल्ट इसके अंदर जो पोटेंशियल है और इसके अंदर 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये हुआ जो ये सेल है, ठीक है, ये 5 ओम तो आइडियली, 5 वोल्ट तो आइडियली इसका है पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस इसके साथ में क्या है, एक आप रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज़ के अंदर ही 1 ओम का, तो इसका मतलब ये टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये सेल हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सीरीज़ के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो तो हमें क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो आप। अब इसके बाद हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का। टर्मिनल वोल्टेज क्या चीज़ है, टर्मिनल वोल्टेज ये क्या चीज़ है। देखो, क्योंकि अगर मैं आइडियल सेल लेता हूँ कोई भी, ठीक है, जैसे कि मेरा आइडियल सेल है ये, कुछ इस तरह से आइडियल सेल है, ठीक है, फिर से बना देता हूँ, ये
ये आइडियल सेल है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो जो आइडियल सेल होगा हमारा, ठीक है, उसके अलोंग अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है, तो 10th क्लास में हमने वोल्ट मीटर का पढ़ा ही होगा, वोल्ट मीटर आगे अपने डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो उसके दोनों टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है, अगर ये कम्प्लीटली आइडियल है, मान लो इसके अंदर रीडिंग 5 वोल्ट है, तो ये वोल्ट मीटर हमें 5 वोल्ट ही देना चाहिए, ठीक है। लेकिन रियल केस में होता क्या है, रियल केस में जो अगर वो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर ये जो हमें वोल्ट मीटर है 5 वोल्ट नहीं देता है, हमें 4 वोल्ट देता है, 3 वोल्ट देता है, 4.5 देता है, इस तरह से वोल्टेज क्या हो जाती है, कम दिखाता है हमें। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अलोंग में भी हमें बताया था, इसके अलोंग में भी क्या होगा, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके कारण, तो उसी को हम एक 1 ओम, जैसे अगर इसका मान लो 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1 ओम लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इस टोटल के कॉम्बिनेशन से जो वोल्टेज आ रहा है इसके अलोंग, वो देखेंगे, क्योंकि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अलोंग क्या होगा हमें पता है, सीरीज़ के अंदर कोई भी अगर हम एक रजिस्टर लगाएंगे बैटरी के साथ में, तो वहाँ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसी वोल्टेज ड्रॉप के कारण मान लो इसके अलोंग 1 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाना चाहिए हमें, 4 वोल्ट दिखाएगा हमें, ठीक है। देखो इस चीज़ को समझने के लिए इस तरह से देखें हम, तो जो भी वोल्टेज हमें दिखा रहा है इस सेल के अलोंग, है ना, क्योंकि जो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब ये जो मेरा सेल है, ठीक है, अब ये जो सेल है, ये टोटल कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट को, ठीक है। इस चीज़ को मैं इस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ, देखो कि मेरा जो पहले सेल था, मैंने उसको इस तरह से लिया, और मैंने क्या किया, उसको एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ, अभी एक्सटर्नल सर्किट है ध्यान रखना, ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये EMF E है, ठीक है। एक चीज़ तो ये लेता हूँ मैं, और दूसरी चीज़ ये लेता हूँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये एक्सटर्नल के रेजिस्टेंस के साथ में, उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ में इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। क्या दोनों के अंदर मैकेनिज्म सेम होगा, कि मतलब इसके अंदर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा, और मैं इसके अंदर वोल्ट मीटर लगाऊंगा यहाँ पे, क्या दोनों सेम रीडिंग देगा, नहीं रीडिंग देगा सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस आया, यहाँ भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हमें मिलेगा, इसको मैं वी डैश बोल देता हूँ मान लो, तो वी हमेशा ही ग्रेटर देन होगा वी डैश से, है ना। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अलोंग आ जाएगा, तो जो पोटेंशियल मान लो हमें 5 ओम वोल्ट दिखना चाहिए था, वो 5 वोल्ट यहाँ पे दिखेगा, इसी इस आइडियल बैटरी का तो 5 वोल्ट ही होगा, लेकिन यहाँ जो वोल्ट मीटर वो 5 वोल्ट नहीं देगा, 5 वोल्ट से कम ही देगा, मान लो 4 वोल्ट देगा या 4.5 वोल्ट देगा, कुछ इस तरह से देगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है कहीं पे, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता है, तो वहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट के अलोंग, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसके अंदर डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, जो जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो जो टू टर्मिनल्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने दिखा तो दिया बाहर, लेकिन होता क्या है, इसके इनसाइड में ही है, तो मतलब इसके अलोंग में अगर वोल्ट मीटर लगाऊंगा, तो हमें सेम रीडिंग देगा, ये वाले वोल्ट मीटर और ये वाला वोल्ट मीटर, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो सेल्स हैं आइडियल, जो रियल सेल्स हैं, उनके अलोंग में अगर वोल्ट मीटर लगाऊंगा, तो जो आइडियल कंडीशन है, उससे कम वोल्टेज आना चाहिए, और उसी कम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, अगर मैं नॉर्मली देखूँ, है ना, जो टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, अगर मैं इस इसको स्टडी करूँ, तो इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, उसको वी से डिनोट करते हैं, और वो होता है जो एब्सोल्यूट इसका EMF है, वो -I × R, ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है। अब ये यहाँ पे आई क्या है, आई है एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट फ्लो करवाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस वो आई है। जैसे जैसे आई बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, और EMF बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, V = E - IR, इसको हम डिराइव भी कर लेते हैं, जो हमने किरचॉफ लॉ से देखा था, उस चीज़ से हम कैसे डिराइव करेंगे, इसको देखो कि मैं जो रियल केस होता है वो बनाता हूँ, फिर उस पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो जो रियल केस था, कुछ इस तरह से, ये मेरा EMF E है, ठीक है, EMF E है, ठीक है,
ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, उसके साथ में क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर से डिनोट किया है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन दोनों के एलोंग की पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो मैं क्या करता हूँ इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ, और मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ ए से बी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है किरचॉफ लॉ से हमने, ठीक है। तो इस लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा वी ए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव ई एम एफ, ठीक है। फिर अगर इस सर्किट में से मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो करंट फ्लो होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट, है ना। तो करंट फ्लो ऐसे होगा इसके अंदर से, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, नेगेटिव के अंदर जा रहा है, ठीक है। यही होता है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स, क्योंकि हम अगर सेल को अगर सर्किट में यूज़ करते हैं तो वह डिस्चार्ज होता है सेल, ठीक है। इसके बाद हम चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, चार्जिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है, अब तक हम सब डिस्चार्ज वाले कॉन्सेप्ट ही देखे हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज वाले कॉन्सेप्ट देखें तो वी ए माइनस ई, है ना। इसके बाद क्या आएगा आई आर, आई के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव आई इंटू आर, है ना, इज इक्वल टू कितना है वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा हमारा ई माइनस आई आर, यही बोला था। वी जो वी ए माइनस वी बी है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो ये टर्मिनल वोल्टेज का एक्सप्रेशन है टी वी एम एफ माइनस आई इंटू आर, ठीक है। अभी आई क्या है, आई आई कौन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, आई का रोल कौन प्ले कर रहा है, आई का रोल प्ले कर रहा है कि इसको मैं एक्सटर्नल किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दूँ, तब मैं वहाँ से आई निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं आई नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आई निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल सर्किट गिवन होगा, ठीक है। तो जो हमारा नेट टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो ई एम एफ माइनस आई इंटू आर होगा, ठीक है। ये चीज़ फॉर्मूला ध्यान रखना। ये तो हुआ डिस्चार्जिंग का केस, जब पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव के अंदर जाता है, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है चार्जिंग के क्वेश्चन आएंगे जब हम पढ़ेंगे एलसी सर्किट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी भी चार्जिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग में होता क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही रहेगा, बस करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि चार्जिंग में हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे चार्जिंग की बात कर रहे हैं हम, क्या है चार्जिंग की बात कर रहे हैं। पहले क्या था डिस्चार्जिंग, इसको डिस्चार्जिंग बोल दो, या नॉर्मल केस जो पहले था वो डिस्चार्जिंग का केस था, उसमें हमारा ई माइनस आई आर आया था। यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ से एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो किरचॉफ लॉ लगाओ यहाँ पे, कितना आएगा वी ए, है ना, माइनस ई, करंट इस डायरेक्शन के अंदर है, अलोंग जा रहे हैं तो पॉजिटिव, सॉरी अलोंग जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आया ई प्लस आई आर। देखो पहले आया था ई माइनस आई आर, अब आया ई प्लस आई आर, तो चार्जिंग के केस में ई ई प्लस आई आर आएगा और डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर आएगा, ठीक है। तो चार्जिंग के केस में क्या होता है, ई एम एफ नेट ई एम एफ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है और डिस्चार्जिंग के केस में घट जाता है। हम जो नॉर्मली सर्किट्स में डिस्चार्जिंग वाला यूज़ करते हैं, नॉर्मल सर्किट्स में हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, है ना, सर्किट के अंदर सेल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, सेल को चार्ज नहीं करते, ठीक है। चार्जिंग वाले क्वेश्चन अलग होते हैं थोड़े। इसके बाद देखते हैं हम चार्जिंग डिस्चार्ज की बात की, इसके बाद हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सेल्स के अंदर कि कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेल्स को क्या कर दूँ, सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशंस में सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा, ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में क्या करूँगा, मैं सेल्स को क्या करूँगा कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं हमारे, ठीक है, अल्टरनेटिवली उसी को बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशंस। हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव भी बीच में आ जाए, ठीक है। मैंने पॉजिटिव ऐसा क्यों लिया है, मान लो इसका ई एम एफ ई वन है, इसका ई एम एफ ई टू है, इसका ई एम एफ ई थ्री है, इसका ई एम एफ ई फोर है। अब मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ नहीं दिखाया, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में कई बार गिवन ही होता है, तो इसका मान लो आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, और इसका आर फोर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको आप शो कैसे करोगे, इस और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिखाना होगा आपको, इस तरह से शो करोगे, ठीक है। जैसे इसका ई एम एफ ई वन ए आर वन है, ई टू है आर टू है, ई थ्री है आर थ्री है,
E4 है, R4 है, कुछ इस तरह से शो करोगे आप, ठीक है। तो यह है सीरीज कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो सेल्स की बात करते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, है ना। दो सेल्स इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि क्रिस्चोफ लॉ इजीली लगा देंगे और फिर वहाँ से हम बाकी चीज़ों की बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशंस की बात करूँ, दो से मैं जनरलाइज कर दूँगा सबको, तो दो सेल्स को जोड़ना है मेरे को, तो दो सेल्स के अंदर मैं दो ही ले लेता हूँ कोई, मान लो। तो पहला सेल ये है और दूसरा सेल ये है, और मैंने उसको पॉजिटिव नेगेटिव वाले टर्मिनल ही जोड़े हैं कुछ इस तरह से। तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट में मैं ए लेता हूँ, ये पॉइंट को बी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज निकालता हूँ मैं इसकी, और टर्मिनल वोल्टेज से किस तरह से हमारा EMF निकल जाएगा, हमारा नेट EMF, वो देखेंगे किस तरह से। देखो मेरे को इसको क्या करना है, इस सर्किट को मेरे को इसको एक, क्योंकि कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस का मतलब मेरे को इसको इस तरह में एक कन्वर्ट करना है, इस तरह के सेल में, जिसको मैं बोलता हूँ ई इक्वेलेंट और इसको बोलता हूँ आर इक्वेलेंट, है ना। मेरा काम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को सिंगल सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसी को कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस भी हमने देखा था आर इक्वेलेंट के अंदर कन्वर्ट किया था, इसी को हम ई इक्वेलेंट और आर इक्वेलेंट में कन्वर्ट करना है हमें ना। मैं फिर से बना देता हूँ ये चीज़, कि हमने ये दो सेल्स लिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका E1, इसका EMF E2, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। इसका टर्म ए पॉइंट है, इसका बी पॉइंट है, ठीक है। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कुछ इस तरह से इसमें कन्वर्ट करना है, जिसका हमें EMF E इक्वेलेंट हो जाए और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वेलेंट हो जाए, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट करना है, और हम सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है यहाँ पे, क्या करेंगे हम, क्रिस्चोफ लॉ लगाएंगे, ठीक है। देखो क्रिस्चोफ लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर, तो क्या आएगा, वी ए है ना माइनस EMF E1, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्योंकि हमने ये ली है, इसके अंदर EMF कुछ इस डायरेक्शन में ही, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल तो अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस आएगा, प्लस I इंटू R1, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस E2, फिर क्या आएगा अगेन, प्लस I इंटू R2 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा देखो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। या हमारा दो के लिए, है ना। तो हम सिंगल के लिए निकालेंगे, सिंगल के लिए हमारा क्या आ रहा था, टर्मिनल वोल्टेज। अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट लूँ, कि बात तो वही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्विवेलेंट करवाया, तो यहाँ से अगर मैं सिंगल का देखूँ, वी ए माइनस वी बी कितना आता, ये आता हमारा ई इक्वेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वेलेंट, है ना। अच्छा इन दोनों इक्वेशंस, क्योंकि ये दोनों इक्वेलेंट ही हैं, दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से ई इक्वेलेंट कितना आया हमारा E1 प्लस E2, और आर इक्वेलेंट कितना आया R1 प्लस R2। चीज़ आ रही है समझ में, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज़ में क्या होगा, EMF हमारा एडिशन हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी हमारा एडिशन हो जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस तो एडिशन होना ही है, हमें ये चीज़ तो पता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के। और जो EMF है वो भी क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, नॉर्मल एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ चीज़ को फाइनली, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरा कुछ इस तरह से E1 EMF है, E2 EMF है, ठीक है, E3 EMF है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3 इस तरह से दे रखा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देता हूँ जिसका EMF E इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना है तो दिखाओ, वरना मत दिखाओ, चाहे R इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब हमारा E इक्विवेलेंट कितना आएगा, अगर मेरे पास इस तरह से N सेल्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज की बात हुई। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर आप सेल की पोलैरिटी चेंज कर देते हो, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को एक दूसरे से चेंज कर देते हो, मान लो जैसे मैंने इसका टर्मिनल चेंज कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया मैंने, तो इस केस में आप क्या करोगे, ये आर वाली एक्सप्रेशन तो सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की पोलैरिटी चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन EMF की पोलैरिटी चेंज करने से क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव E2 हो जाएगा। आप इस चीज़ को
क्या नाम है, क्रिस्टोफ लॉ से भी देख सकते हो। अगर ये होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी, आपको क्या करना है, दो सेल्स लेने हैं, एक का पॉजिटिव टर्मिनल लेना है इस साइड और एक का क्या करना है नेगेटिव टर्मिनल लेना है इस तरह से। अब इस पर क्रिस्टोफ लॉ लगाओ, रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेना R1 R2, और इस क्रिस्टोफ लॉ लगा के इस पर चेक करो कि आपका नेट EMF क्या आएगा। आपका नेट EMF इसके अंदर आप देखना, आई इक्वेलेंट आपका E1 माइनस E2 आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप चेक करना जो मैंने पिछले पार्ट में भी देखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह एडिशन ही होगा सिंपल, और बस पोलैरिटी चेंज करो तो इसका भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉब्लम में आपको कुछ इस तरह से दूं कि यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और फिर यहाँ 3 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, इसका 5 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, आप बताओ हमें नेट EMF, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा नेट सर्किट कैसा बनेगा, मतलब E इक्वलेंट और R इक्वलेंट कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ बतानी है आपको, तो कितना होगा। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, सीरीज वाली प्रॉब्लम है, सिंपल क्या करेंगे, E इक्वलेंट कितना आएगा हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव देख लो सब, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी रेफरेंस पॉजिटिव ले लो, मतलब किसी डायरेक्शंस के अंदर से भी आप पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हो, वी ए माइनस वी बी। मान लो मैं इसको वी ए को पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ क्या आएगी यहाँ से, पॉजिटिव 2 वोल्ट, फिर क्या आएगा, नेगेटिव 3 वोल्ट प्लस पॉजिटिव 5 वोल्ट, यही आया। तो कितना आएगा यहाँ से, 4 वोल्ट, है ना, तो इसका मतलब ई इक्वलेंट हमारा कितना आएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, आर इक्वलेंट कितना आएगा हमारा, आर तो सिंपल एडिशन होगा, तो 2 ओम 3 ओम 5 ओम सीधा ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना आएगा, 10 ओम। इसका मतलब आर इक्वलेंट कितना आएगा हमारा, 10 ओम। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्या है, इक्वलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो इसके अंदर। ठीक है, और पूछा भी जाता है कई बार ये क्वेश्चन। ठीक है, कि आपके पास एन सेल्स हैं, प्रॉब्लम में आपको क्या बोला, आपके पास एन सेल्स हैं, ठीक है, ऑफ EMF ईच। ठीक है, एक हर एक सेल के जो EMF है वो ई है, एप्सिला है। ठीक है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हर सेल का वो आर है। ठीक है, हर सेल का EMF ई दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है। ठीक है, और उनको मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया सबको, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट EMF कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, नेट EMF कितना आना चाहिए यहाँ से, अगर मैं सबको एन सेल्स को जोड़ दूँगा तो ई इक्वेलेंट कितना आएगा, E1 प्लस E2 अप टू एन, ई एन है ना, और सबका कितना है, ई दे रखा है, तो सबको टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स ई हो जाएगा। सिमिलरली आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस अप टू कितना हो जाएगा, RN, तो कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, कि एन सेल्स की EMF ई है और आर सेल्स के EMF एन सेल्स की EMF ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है ईच सेल का। ठीक है, अब क्या किए हम सबको सीरीज़ में जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबको सीरीज़ में क्वेश्चन से लेकर आ गए, सीरीज़ में जोड़े हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम सेल्स ऑफ EMF, ठीक है, ई वो वही एम सेल्स हैं, और एम सेल्स नहीं है, इसी एन सेल्स में से एम सेल्स को, सेल्स का क्या कर दिए, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए। अब हमारा EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब ई इक्वलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले तो क्या हुआ था, एन ई आया था और एन आर आया था ना, अब क्या आएगा एम के टर्म्स में, क्या आएगा हो, क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था, कुछ इस तरह से था, इस तरह से एन सेल्स कनेक्टेड थे जिनकी पोलैरिटी एक साइड में थी सबकी। ठीक है, अब क्या है कि कुछ सेल्स की, जैसे एम सेल्स है, ये एम सेल्स है, उनकी पोलैरिटी चेंज कर दी मैंने, इस तरह से कर दी, समझ रहे हो, पोलैरिटी चेंज करने पे हमारा अब नेट कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किस तरह से कर सकते हैं, देखो सबसे पहले एन सेल्स थे हमारे पास में जिनकी पोलैरिटी इस साइड पॉजिटिव थी, इस साइड नेगेटिव थी, ऐसे कितने सेल्स थे हमारे पास, एन सेल्स थे। ठीक
ठीक है। अब मैं एम सेल्स की पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ, तो एम सेल्स इसमें से घटा दिए, ठीक है। तो अब बचेंगे का, अब हमारा कॉम्बिनेशंस कैसा होगा कि एन माइनस एम सेल्स होंगे वो तो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही हैं, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, लेकिन एम सेल्स होंगे जो नए एम सेल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, समझ रहे हो। कि अगर हमारे पास एन सेल्स हैं उसमें से एम सेल्स को मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, तो एम सेल्स तो ऐसे हो जाएंगे जिनकी पोलैरिटी चेंज की है, और जो बचे हुए सेल हैं एन माइनस एम सेल्स वो पहले जैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब इनका जस्ट हमें एडिशन करना है, तो ई इक्वेलेंट कितना आएगा, जस्ट इनका एडिशन होगा, तो एन माइनस एम सेल्स का क्या होगा, ई इक्वेलेंट पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, फिर क्या है एम सेल्स का ई एम एफ क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में लेंगे, ध्यान रखना है नेगेटिव एम ऑफ ई एम एफ ई, क्योंकि इसका नेट ई एम एफ आएगा एम इंटू ई और इनका नेट आएगा एन माइनस एम इंटू ई, तो दिस माइनस दिस कर देंगे अपने, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, इसको करेंगे एन माइनस टू एम है ना इंटू ई एम एफ ई, तो एन माइनस टू एम इंटू ई एम एफ ई आएगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा तो ये तो आया नेट ई इक्वेलेंट हमारा, ठीक है। इसलिए आर इक्वेलेंट निकाल लो, आर इक्वेलेंट तो मैंने बोला था पोलैरिटी पर डिपेंड करता ही नहीं, तो आर इक्वेलेंट तो एन आर ही होगा, क्योंकि सबका ई एम एफ सबके इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर ही है। अच्छा कुछ इस प्रॉब्लम में अगर हमें करंट पूछ ले कि करंट कितना होगा, कि सर्किट के अंदर से अगर एक्सटर्नल सर्किट से करंट जोड़ दो कितना होगा, तो करंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो करंट का फॉर्मूला होता है वो कहाँ से निकाल सकते हो आप, वो कहाँ से जो करंट का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से निकाल सकते हो आप, टोटल जो हमें अगर करंट निकालना है इसको, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोला था कि आपको एक एक्सटर्नल सर्किट दिया हो, तो मान लो जो भी कॉम्बिनेशंस था हमारा कुछ इस तरह से, एन सेल्स तो मेरे इस तरह से कनेक्टेड थे और एम सेल्स मेरे इस तरह से कनेक्टेड थे, कुछ इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब तो इस कॉम्बिनेशन को मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा, ये एन है ये एम है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ा, ठीक है। तो मैंने बोला था टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्ट क्योंकि इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से जो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा हमारा उसको हम वी से लिखते हैं, तो वो कितना होता है हमारा ई इक्वेलेंट है ना माइनस आई इंटू आर इक्वेलेंट, यही होता है। और टर्मिनल वोल्टेज वी हमारा कितना आएगा, आई इंटू आर, तो ये कितना है आई इंटू आर, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा ये टर्म कितना आएगा ई इक्वेलेंट वी माइनस आर इंटू आर इक्वेलेंट, तो यहाँ से हमारा ई इक्वेलेंट कितना आएगा, आई आर प्लस आर इक्वेलेंट है ना, तो आई कितना आएगा ई इक्वेलेंट डिवाइडेड बाई में आर प्लस आर इक्वेलेंट, यही चीज़ आएगी। और हर प्रॉब्लम में ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू ई इक्वेलेंट डिवाइडेड बाई में आर प्लस आर इक्वेलेंट, ठीक है। तो ई इक्वेलेंट जो हमारा आया था वो वैल्यू पुट कर दो, कितना आया था हमारा एन माइनस टू एम इंटू ई, और आर प्लस आर इक्वेलेंट कितना आया था एन इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल करंट आया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है आपकी, ठीक है। नॉर्मल आपके अगर दो सेल वाली प्रॉब्लम्स थी, टू सेल्स वाली प्रॉब्लम में भी आपसे क्वेश्चन करंट पूछ सकता है, ठीक है। जो टू सेल्स वाली प्रॉब्लम आपको याद होगी, अब टू सेल्स अगर आपको दे तो उसमें आपको करंट पूछ सकता है, जैसे करंट इसमें से आई फ्लो कर रहा है, इसका ई एम एफ ई वन है, इसका ई एम एफ ई टू है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू है, ठीक है। तो जो मैंने करंट का एक्सप्रेशन बताया था, करंट का एक्सप्रेशन क्या बताया अभी, ई इक्वेलेंट डिवाइडेड बाई में आर प्लस आर इक्वेलेंट, यही है। तो ई इक्वेलेंट यहाँ पर कितना आएगा, ई वन प्लस ई टू, आर प्लस आई आर इक्वेलेंट कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू, किसी के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये करंट क्या चीज़ है, एक्सटर्नल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस आर लगा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा आपका, हाँ। अगर ये रेजिस्टेंस अलग हो, मान लो इस तरह से दो रेजिस्टेंस आर वन आर टू लगा हो, तो यहाँ पे आर की जगह क्या कर दोगे, आर वन प्लस आर टू कॉम्बिनेशन लगाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या करते हैं हम, पैरेलल्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स में हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे ना। इस सीरीज़ का कंप्लीट हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारे जो सेल्स होंगे वो क्या क्या पैरेलली अटैच होंगे, ठीक है। तो सबसे हम क्या करेंगे, एन सेल्स के बजाय हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम दो ही सेल लेते हैं, दो सेल्स को जनरलाइज कर देंगे, है ना। तो अगर मैं कुछ इस तरह से इसको पैरेलली कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो इसका ई एम एफ मान लो ई वन है, इसका ई एम एफ ई टू है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल दो इसका आर वन है तो आर टू है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है,
इसका ई एम एफ ई वन है, इसका रेजिस्टेंस आर वन है, ई एम एफ ई टू है, रेजिस्टेंस आर टू है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप किस तरह से करोगे, इसको मेरे को क्या करना है, इस सर्किट को मेरे को क्या करते हैं, ये इक्वल सर्किट है, ये दोनों इक्वल हैं सर्किट, ठीक है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है कौन से सर्किट में, इस सर्किट में, ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट, मेरे को ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट का रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, टर्मिनल वोल्टेज इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे, ठीक है। पहले आपको इस किस तरह से इस लूप में लगाना पड़ेगा, फिर आपको इस वाले टॉप पार्ट में लगाना पड़ेगा। तो दो किरचॉफ लॉ लगा के आपको सोल्व करोगे आप इस प्रॉब्लम को अगर, और आप इक्वल इक्वेट कर दोगे इसके साथ में, तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा आप उसको याद ही रख लो, दो के लिए, दो के लिए आपका जो एक्सप्रेशन आएगा ई इक्वलेंट, ठीक है, एप्साइला है यहाँ पे ना, इक्वलेंट कितना आएगा, ई वन डिवाइडेड बाई में आर वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई में आर टू डिवाइडेड बाई में वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक है, ये आएगा। और आर इक्वलेंट वाला एक्सप्रेशन जो पैरेलल के केस में आता है वही सेम आएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस तो वही वैसे के वैसे हैं, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। एनोलॉजी यहाँ सीरीज़ के साथ में क्या है, जैसे सीरीज़ के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस था वो चेंज नहीं होता, जैसे उसके अंदर वो सीरीज़ वाला एक्सप्रेशन नहीं रहता है, यहाँ पैरेलल वाला एक्सप्रेशन ही रहेगा। ये टर्म है ये चेंज होती है, उसमें भी हुई थी इसमें भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, उसमें सिंपल ई वन प्लस यू टू एडिशन हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू डिवाइड बाई वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू, इस तरह से चलेगा दो सेल्स की अगर बात करें, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना फॉर्मूला इस चीज़ का, ठीक है। तो आर इक्वेलेंट आर वन आर टू की टर्म्स में और इक्वेलेंट ई वन ई टू की टर्म्स में, ठीक है। अगर मैं इसको एन सेल्स के साथ में देखूँ, ठीक है, अगर एन सेल के साथ में जनरलाइज करूँ इसको, एन सेल्स आपके पैरेलल लगे हैं, तो इक्वेलेंट कितना आएगा आपका, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री अप टू कहाँ तक चलेगा, ई एन बाई आर वन डिवाइडेड बाई में वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री अप टू कब कहाँ तक चलेगा, वन अपॉन आर एन तक। और आर वन अपॉन आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री अप टू पैरेलल वाला फॉर्मूला वन अपॉन आर एन, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके एक्सप्रेशंस आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन याद रखना, ठीक है, सिंपल से एक्सप्रेशन है, दो के लिए पता है तो बाकी लिए जनरलाइज कर दो, ठीक है। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, जैसे उसके अंदर मैंने क्या किया था, पैरेलल के सीरीज़ में क्या किया था, पोलैरिटी चेंज की थी, तो ईएमएफ चेंज हो गया। तो यहाँ पोलैरिटी चेंज करने थे, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, पोलैरिटी चेंज करने क्या होगा, जिस भी सेल की पोलैरिटी चेंज की वो सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज की तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ तो सेम ही रहेगा, चीज़ ध्यान रखना, बस इसकी पोलैरिटी चेंज करोगे न्यूमरेटर की, ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर आराम से कर दोगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं, क्वेश्चन ये है कि आपके एन सेल्स हैं वो पैरेलल में लगे हैं आपके, ठीक है, आपके एन सेल्स पैरेलल में लगे हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो एन सेल्स और ईच का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। एन सेल्स हैं, ईच का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है, और ईएमएफ ई दे रखा है, सबका सेम दे रखा है, मतलब क्वांटिटी। तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा डायग्राम कि इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सिमिलरली इस तरह से सारे कनेक्टेड हैं। मैं इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना है तो दिखा दो चाहे इसके अंदर, ठीक है, अप टू कितना है इस तरह से, तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और सबका ईएमएफ भी सेम है, प्रॉब्लम में ऐसा दे रखा है, तो सेम दे रखा है तो एक्सप्रेशन में पुट करोगे, तो एक्सप्रेशन में इक्वलेंट वाला एक्सप्रेशन में क्या आएगा, इक्वलेंट वाले एक्सप्रेशन में क्या आएगा आपका, इक्वलेंट में ई वन अपॉन आर वन, तो ई वन ई है आर वन भी आर है, प्लस ई टू अपॉन आर टू कुछ ऐसे चलता रहेगा, ई एन अपॉन आर एन, तो ये सेम ही है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू ये भी है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है, तो ये होगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वाली ऊपर वाली टर्म कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स है ना, तो एन ई अपॉन आर हो जाएगा, और नीचे भी क्या एन टाइम्स है, तो एन अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ई एम एफ कितना आएगा, ई। इसका मतलब हमारा इन टोटल जो ई एम एफ आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो ये वाला मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट में, तो इक्वलेंट हमारा कितना आएगा, ई के बराबर ही आएगा, एक सेल के बराबर। मतलब एक ही चीज़ यहाँ से समझने की मिली हमें कि हम एन सेल्स को अगर पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो नेट ई एम एफ हमारा कितना आएगा, सेम उस ई एम एफ के बराबर ही आएगा। कंडीशन दे रखी होगी हमारी
कि अगर हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ तब सबका सेम दे रखा है, तो चाहे हमारे एन सेल्स हैं, एम सेल्स हैं, 5 सेल हैं, 6 सेल है, जितने सेल्स अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, सबका ईएमएफ जो नेट ईएमएफ वो ई ही आएगा, एक सेल के बराबर ही आएगा। और कंडीशन होगी कि सबका ईएमएफ सेम है और रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ओ सॉरी नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा आर इक्वेलेंट, वो तो आप पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से देख लो, क्योंकि अब हमारे एन सेल्स हैं तो एन सेल्स में हमने देखा था कि एन रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में लगाओ तो कितना रेजिस्टेंस हो जाता है, आर बाई एन हो जाता है। तो यहाँ से आर बाई एन ही होगा, करके देख लो चाहे वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, इस तरह से अप टू एन टर्म्स है, तो कितना आ जाएगा ये एन एन बाई आर हो जाएगा, और ये वन अपॉन आर इक्वलेंट है तो आर इक्वलेंट कितना आएगा, आर बाई एन हो जाएगा, जैसे इट का रिवर्स, तो ये आर बाई एन होगा, तो आर इक्वलेंट आर बाई एन होगा, और ई इक्वलेंट कितना होगा, ई ही होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एन सेल्स के लिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये तो हमें पैरेलल की बात, अगर पैरेलल के अंदर हमारे कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको, उसको आप खुद से सोल्व करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से 1 वोल्ट का ईएमएफ दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, ठीक है। इसके साथ एक ईएमएफ कुछ इस तरह से लगा है, बैट सेल लगा है, इसके साथ कुछ सेल इस तरह से लगा है, ठीक है। इसका हमें 2 वोल्ट दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, इसके अंदर 4 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट बताना है इसका, सर्किट का। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो इसको, ठीक है। मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना है, इसके अंदर इस टोटल चीज़ को आप इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट में पैरेलल सीरीज दोनों के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो पैरेलल वाले में टोटल ईएमएफ कितना आएगा, नेट ईएमएफ E1 बाई R1 है ना, तो E1 बाई R1 करना है आपको, तो E1 बाई R1 कितना का 2 बाई 2 प्लस E2 बाई R2 4 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 2 आएगा 1 बाई 2 और 1 अपॉन 4 आएगा यहाँ पे। तो ऊपर वाली टर्म तो ये 1 है और ये 1 है, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 8 अपॉन 3। तो नेट ईएमएफ कितना आएगा इसका, इन दोनों कॉम्बिनेशन को 8 बाई 3 है ना। और नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये कितना आएगा 8 बाई 3 ईएमएफ आएगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 वाले कॉन्सेप्ट से देख लो, या फिर R1 R2 डिवाइडेड R1 प्लस R2 से देख लो। तो R1 R2 कितना आएगा 8, R1 प्लस R2 कितना आएगा 6, तो कितना आएगा यहाँ से, ये आर इक्वलेंट है ना, पैरेलल वाला सिंपल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है। तो R1 R2 8, R1 प्लस R2 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 बाई 3, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4 बाई 3। तो इसके साथ में एक सीरीज वाले पहले हमें गिवन ही है कितना है 1 वोल्ट और 1 ओम का ना, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो 1 वोल्ट और 1 ओम के साथ में। अच्छा, अब नेट कितना आएगा हमारा, अब तो ये सिंपल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है, सीरीज वाला है, दोनों एडिशन हो जाएगा, तो इक्वलेंट हमारा कितना आएगा यहाँ से, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 11 बाई 3 वोल्ट, और आर इक्वलेंट कितना आएगा हमारा, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 7 बाई 3 ओम, ठीक है। तो इस तरह से इक्वलेंट और आर इक्वलेंट हमारे रिजल्ट आ गए। पहले पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, दोनों में एक चीज़ ईजी हो जाती है, रेजिस्टेंस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला पैरेलल सीरीज वाला लगा दो, और ईएमएफ वाला फॉर्मूला पैरेलल के लिए याद रख लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 वाला फॉर्मूला। और सीरीज़ के अंदर तो आपको सिंपल पता ही है, ये मैं एडिशन में होंगे, ठीक है। पोलैरिटी दोनों के अंदर सेम दे रखी थी इसलिए सेम ली, मान लो इसमें जैसे पोलैरिटी इसका रिवर्स कर देता तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ता, अगर आप जैसे इसका रिवर्स कर देता, मान लो इसका नेगेटिव कर देता यहाँ पे, तो यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ता, इसका नेगेटिव ले लेता तो यहाँ नेगेटिव लेना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा पोलैरिटी का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग देखते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग मैं सर्किट बनाऊंगा, आप देखते ही बता सकते हो इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो सर्किट मेरा कुछ इस तरह से है कि एक टर्मिनल ये है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो सेल्स हैं वो सबका ईएमएफ सेम ले लेता हूँ, ठीक है, और एन सेल्स ले लेता हूँ, कितने सेल्स, एन सेल्स, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे अप टू एन सेल्स हैं, ठीक है। एन सेल्स है और सबका ईएमएफ क्या लिया मैंने, ई लिया है। और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका भी सेम लिया है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एन सेल्स ले लिए। सेकेंड वाले नीचे एक मैं पैरेलल के अंदर एक और लगाता हूँ, सेम कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये ऊपर वाले का बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे एन सेल्स हैं फिर से। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल क्या करता हूँ, एम ग्रुप्स बनाता हूँ। तो मेरे हॉरिजेंटली एन सेल्स हैं और वर्टिकली मेरे एम ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस तरह से एम ग्रुप्स बना दिए मैंने। और ई वाला कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, जैसा ऊपर वाला है एन सेल्स वाला कॉम्बिनेशन। तो मेरे देखो हॉरिजेंटली कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, हॉरिजेंटली मेरे एन कॉम्बिनेशन है और वर्टिकली मेरे एम कॉम्बिनेशन है, इसलिए बोलते हैं इसको मिक्स ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसका इसका इक्वलेंट देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका ईच का इक्वलेंट हमें पता है क्योंकि एन सेल्स को सीरीज़ के अंदर हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसको बना लेते हैं। एन सेल्स को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरा जो इक्वलेंट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। इसका जो ई एम एफ होगा इसका कितना होगा, एन ई एम एफ एन ई हो जाएगा, और इक्वल आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ पता लगी। इसी तरह से मेरे कितने सेल्स हैं यहाँ पे, इसी का भी सेम होगा ऐसे ही एन ई, और इसका कितना होगा एन आर। इसी तरह से मेरे कितने हैं एम सेल्स हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका भी कितना होगा एन ई और इसका एन आर। तो मेरे पैरेलल के अंदर अगर एम सेल्स हैं, एम सेल्स हैं, ठीक है, तो फिर मेरा कितना आएगा यहाँ से रिजल्ट। अब देखो अब इसमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर एक का एन ई है, ठीक है, इस तरह से कितने सेल्स लगे हुए हैं मेरे, एम सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था पैरेलल के अंदर अगर आपके ई एम एफ सेम है, सबका ई एम एफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, सिंगल के बराबर आएगा। ये चीज़ हमने देखी भी है एन सेल्स पे पैरेलल के अंदर। तो हमारा जो इसमें नेट आर इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा, ओ सॉरी ई इक्वलेंट हमारा नेट कितना आएगा, एन ई ही आएगा। एक का जितना होगा उतना ही आएगा क्योंकि हर एक का कितना एन ई ही है, तो एन ई इक्वलेंट आएगा। और आर इक्वलेंट हमारा कितना आएगा, आर इक्वलेंट के लिए सबको पैरेलल में जोड़ दो, क्योंकि हर सेल का कितना ई एम एफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एन आर है, और कितने सेल्स हैं इस तरह से एम सेल्स है। तो एम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है एन सेल्स होते हैं, एम सेल्स होते हैं, और पैरेलल में सबको करके सबको ई एम एफ सेम है, तो उसी क्वान्टिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल रजिस्टेंस जो एक का रजिस्टेंस है एन आर, और कितने टोटल है एम है, तो एम से डिवाइड कर दिया। तो ये तो आपका आर इक्वलेंट आएगा और ये आपका इक्वलेंट आएगा। तो होप इस दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो अब ई जो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशंस आया कुछ इस तरह से, ये आर इक्वलेंट है, ये ई इक्वलेंट है, लेफ्ट राइट से कंफ्यूज मत होना, कहीं भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो आर इक्वलेंट आपका कितना है यहाँ से, एन आर डिवाइडेड बाई में एम, और ई इक्वलेंट आपका कितना आया, इक्वलेंट आया आपका सेम जो सबका ही है, ठीक है, एन ई। चीज़ है ये चीज़ हमने मिक्स ग्रुपिंग से देखी, ठीक है। ये मिक्स ग्रुपिंग में ये चीज़ आती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्या होता है मिक्स ग्रुपिंग को क्या होता है, एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कई बार कि इस मिक्स ग्रुपिंग को क्या कर दो, एक एक्सटर्नल ग्रुप सर्किट से जोड़ दो, मतलब इसको क्या करो, एक इस तरह से एक एक्सटर्नल सर्किट आर से जोड़ दो, ठीक है। आर से जोड़ दोगे तो करंट क्या आएगा, तो हमें करंट का फॉर्मूला पता है यहाँ से, करंट का होता है ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाई में आर प्लस आर इक्वलेंट, यही होता है। तो ई इक्वलेंट कितना है हमारा, एन ई डिवाइडेड बाई में आर इक्वलेंट कितना है, एन आर बाई एम प्लस आर, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से चीज़ देखो, ये तो आ गया आपका इंट आई आ गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कई बार आपसे, आई मैक्स पूछ लेता है कि मैक्सिमम करंट कितना आएगा, तो मैक्सिमम करंट कैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको और अच्छे सोल्व कर लो, इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा एन ई एम डिवाइडेड बाई में, नीचे आएगा एन आर प्लस एम आर, ये आई आया। तो आई मैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर वाली टर्म तो के अंदर कुछ क्या एडिशन या कुछ ऐसा नहीं है, इसको मैक्सिमाइज करना मुश्किल है, मैक्सिमम आई निकालने के लिए। नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर को अगर मिनिमाइज़ कर दें तो आई मैक्स आ जाएगा ना। तो नीचे वाली टर्म को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एन आर प्लस एम आर को हम क्या लिख सकते हैं, जो एन आर है और एम आर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन आर का होल स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एम आर का होल स्क्वेयर, ठीक है। कुछ इस तरह से एक्सप्रेशंस के अंदर हम इसको अंडर रूट के अंदर है ये सब, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से अंडर रूट एन आर का स्क्वेयर प्लस प्लस अंडर रूट एम आर का स्क्वेयर, ठीक है। प्लस इसके साथ में क्या कर सकते हैं, प्लस इसके साथ जो हमारी टर्म्स हैं टू रूट एन आर एम आर प्लस और एक माइनस के अंदर टू रूट एन आर एम आर, ये दोनों एडिशंस और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक टर्म को इसके साथ कोलेबरेट कर दो, इस टर्म को मान लो इसके साथ कोलेबरेट कर दो इसके साथ में, तो हमारा जो यहाँ से फाइनली आएगा तो वो आएगा हमारा यहाँ से अंडर रूट एन आर, जो मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाली टर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वेयर, क्योंकि इसके होल स्क्वेयर के अंदर ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली नेगेटिव वाली टर्म, तो बची टर्म कौन सी, ये वाली टू रूट, ठीक है, एन आर एम आर, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी इस तरह से टोटल, ठीक है। क्योंकि अब नीचे वाली टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म के साथ में रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नीचे इस टर्म को, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, अब डिनोमिनेटर टर्म को क्या करना, मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर ये सॉरी डिनोमिनेटर की टर्म को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के लिए क्या कर दूँ, अब ये टर्म मिनिमाइज कब हो सकती है, टोटल टर्म, तब ये टर्म जीरो हो जाए, और जीरो कब होगी, दोनों टर्म इक्वल हो जाए, तो इक्वल होगी ये दो, मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी, तो इक्वल कब होगी, एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू आर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमारे जो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, आर का कैपिटल आर का वो कितना आएगा, स्मॉल एन आर डिवाइडेड बाई में स्मॉल एम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इतने रेजिस्टेंस के ऊपर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर करंट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये सब मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा। तो आई मैक्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल आर कितना है, स्मॉल एन आर इंटू कैपिटल एम। मैं फिर से लिख देता हूँ ये चीज़, हमने हम क्या कर रहे हैं, हम आई मैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, आई मैक्स निकाल रहे हैं, तो आई मैक्स के लिए हमने ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा आई आया था, वो आई हमारा कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या किया, हमें आई मैक्स निकालना है, ठीक है, ये नॉर्मल आई है, डिनोमिनेटर टर्म वाले को क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली नहीं कर सकते, तो इसको मैथमेटिकली चेंज करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटरी वाले टर्म को हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कि एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वेयर प्लस अंडर रूट में, ठीक है, टू अंडर रूट एम आर एन आर, ठीक है। तो इसको नीचे वाली टर्म को मिनिमाइज़ करना है, तो इस टर्म को जीरो के इक्वल कराना है, तो यहाँ से हमारी एक्सप्रेशन क्या आती है, आर की वैल्यू कितनी आती है हमारी, एन आर डिवाइडेड बाय में एम, ठीक है। तो ये होगा आई डी आई बाई, मतलब आई को मैक्स कराने के लिए आर की वैल्यू ये है, तो आई को मैक्स कराना है, तो आर की वैल्यू अगर ये पुट कर दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई मैक्स आ जाएगा। तो आई मैक्स कितना आएगा हमारा, यहाँ से आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ पे, तो ये वैल्यू वैल्यू पुट करोगे एन आर बाई एम, तो नीचे क्या आएगा, टू एन आर आ जाएगा ना, तो आई इज इक्वल टू आई मैक्स की कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा, सॉरी ये वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ये वाली वैल्यू, तो कितना आएगा, यहाँ पे एन आर बाई एम होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, नीचे टू एन आर हो जाएगा, तो ऊपर तो सेम ही है, एम एन ई डिवाइडेड बाई में टू एन आर हो जाएगा, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से आएगा एम ई डिवाइडेड बाई में टू आर, यही आपका आई मैक्स है, क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आई मैक्स हमने निकाल दिया, ठीक है। तो मिक्स ग्रुपिंग का हमने क्वेश्चन भी कर लिया, मिक्स ग्रुपिंग का हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, तो ये क्वेश्चन था ओनली एक, ठीक है, आई मैक्स निकालने का। बाकी जो मिक्स ग्रुपिंग में जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो चीज़ देखो, मिक्स ग्रुपिंग में मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ कि आपके क्या लिया था, आपने कुछ इस तरह से सेल्स लिए थे, आपने एन सेल्स लिए थे, और अप टू कितने हॉरिजॉन्ट वर्टिकली आपने क्या किया, एम सेल्स लिए थे ना, तो ये सेम थे सारे के सारे, ये तरह एन सेल्स हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से आपका जो ई इक्वेलेंट निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, एन इंटू ई, और आर इक्वेलेंट यहाँ से आपका कितना निकल के आया था, एन आर बाई एम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद तो हमने क्वेश्चन सोल्व किया वो, ठीक है। तो हमने मिक्स ग्रुपिंग देख लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस देख लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस देख लिए, पैरेलल सीरीज़ में एक चीज़ ये भी देख ली, तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशंस है वो तो नॉर्मली जो हमने रेजिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशंस थे वैसे ही हो जाएगा, बस ईएमएफ का जो कॉम्बिनेशंस है वो देखना है कि सीरीज़ में तो एडिशन हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है, और पैरेलल के अंदर ई वन बाई आर वन प्लस यू टू बाई आर टू डेड बाई वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये वाले फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और अगर पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो फॉर्मूला के अंदर ई की वैल्यू, ई का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा लेकिन आर का पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, ये चीज़ भी ध्यान रख ली, ठीक है। फिर हमने जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके कॉन्सेप्ट देख लिए, ठीक है, सबके अंदर क्रिस्टोफ लॉ से इस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारे क्या होता है, कई बार कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी लग जाता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स रहेंगे सेल्स इसके अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर हो गया, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स का अगला हमारा लेक्चर इंस्ट्रूमेंट्स पे रहेगा, ठीक है। फिर हम इसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के भी देखेंगे आगे, कि इसके जो और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो जो हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात की थी वो हम LC सर्किट्स के अंदर भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चैप्टर्स में हम पढ़ सकते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।